हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए, बैंक स्टॉक्स फॉल एज आरबीआई टाइटन रूल्स। तो बैंक फॉल हुए हैं, गिरे हैं नीचे। क्यों? क्योंकि आरबीआई ने कोई रूल्स को टाइटन किए हैं। और सेम आर्टिकल आप देखिए, आपके इंडियन एक्सप्रेस में भी आए, आरबीआई टाइटनिंग ऑफ अनसिक्योर्ड लोन्स। आरबीआई ने अनसिक्योर्ड लोन्स के मैटर को टाइटन किया है और बैंक में नीड ₹84,000 करोड़ एक्सेस कैपिटल, जिसके वजह से आपके बैंक निफ्टी गैप डाउन से खुला था। अब चलिए एक बार देखते हैं क्या है आर्टिकल में। द बैंकिंग इंडस्ट्री लाइकली टू रिक्वायर ₹84,000 करोड़ ऑफ द एक्सेस कैपिटल और 5% इंक्रीज ओवर द ₹15.2 लाख करोड़ कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉलोइंग द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई दैट इज आवर सेंट्रल बैंक ऑल्सो डिसीजन टू इंक्रीज द रिस्क वेट ऑन द एक्सपोजर ऑफ द बैंक टू कंज्यूमर क्रेडिट कार्ड रिसीवेबल्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एनबीएफसी, जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्सपर्ट बिलीव दैट दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑफ बोरोइंग फॉर कंज्यूमर। ठीक है, इन्फ्लेशन हो रहा है क्योंकि भाई लोन इजिली अवेलेबल है, तो कॉस्ट ऑफ बोरोइंग इंक्रीज करेंगे, हो सकता है थोड़ा सा यहाँ पे इन्फ्लेशन को भी कंट्रोल होगा। द इमीडिएट इम्पैक्ट ऑफ द इन्हेंस्ड रिस्क वेट इज द एक्सेस कैपिटल नाउ दैट द बैंक वुड रिक्वायर अकॉर्डिंग टू सौम्यकांति घोष, ग्रुप चीफ इकोनॉमी एडवाइजर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। दिस मीन 55 to 60 basis point इंक्रीज इन CRAR कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशियो। तो ये अच्छा ही एक तरीके से बनाया जा रहा है। सेकंड, आरबीआई सर्कुलर अफेक्ट्स कंज्यूमर लोन इन जनरल बट एक्सक्लूड हाउसिंग लोन। तो हाउसिंग लोन को क्यों एक्सक्लूड किया गया, मैं आपको बताता हूँ। सबसे सेफ लोन होता है हाउसिंग लोन। अगर आप कभी घर के ऊपर लोन लेते हो, उसमें आपके घर के पेपर बैंक के पास चले जाते हैं। तो जब घर के पेपर बैंक के पास जाते हैं, आप भाग जाओ, आप लोन मत चुकाओ, बैंक को प्रॉब्लम नहीं है, आपके घर को बेच देगा। सबसे सेफ लोन बैंक हाउस लोन है, इसलिए ये आपका यहाँ पे इसको एक्सक्लूड रखा गया है। एजुकेशन लोन, व्हीकल लोन एंड लोन सिक्योर्ड बाय गोल्ड एंड गोल्ड ज्वेलरीज। तो गोल्ड ज्वेलरीज भी रखा जाता है। व्हीकल भी आदमी बैंक वापस ले लेता है, फिर उसको वापस से उसका बिडिंग करवाता है, फिर अगर लोन बेचता है। तो ये सारी चीजें तो हो गई। फिल्टरिंग द एक्सक्लूजन, कंज्यूमर क्रेडिट वॉज ग्रोइंग एट 25% प्लस सिंस मे 2022। दिस अनसिक्योर्ड लोन अफेक्टेड बाय द आरबीआई मूव ₹14.8 लाख करोड़ मेक अप ओनली ₹9.8% ऑफ द टोटल आउटस्टैंडिंग लोन ऑफ ₹151.5 लाख करोड़। तो ये बस 9.8%, लगभग लगभग आप देखिए ये 10% है उसका एज ऑफ सेप्टेम्बर 23। The affected portion of the personal loan category is only 31% of the total personal loan। ठीक है, ये तो हमें नहीं देखना, इतना डेटा इतना नहीं याद रखना इन सब चीज़ों की। The current regulatory steps taken by the RBI may be called counter cyclical measure as this type of action refer to the measure of both monetary and fiscal। तो ये चीज़ हमने देखा अभी, मैंने यहाँ पे बताया inflation भी इससे कब होगा, तो ये उसके लिए भी ज़रूरी है, monetary और आपका फिस्कल। फिस्कल आपका गवर्नमेंट करता है, मॉनिटरी आपकी आरबीआई करती है। डेट स्टेबलाइजेस द बेस बिजनेस साइकिल बाय रिटेनिंग इन इकोनॉमिक एक्टिविटी ड्यूरिंग बूम। तो अभी बूम चल रहा है, सब चीज़ें महंगी हो रही है, तो उसमें थोड़ा सा उसको कर्व करेंगे। एंड ब्लोस्टरिंग इट डाउन टर्न एसबीआई सेड अकॉर्डिंग टू कार्तिक श्रीनिवास सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एंड ग्रुप हेड फाइनेंशियल सेक्टर रेटिंग आईसीआरए लिमिटेड। The announcements are expected to result in higher requirement for the lender and hence an increase in lending rates for borrower. These higher lending rates by the bank to non-banks could also spill over the corporate bond by way of higher yield and widening of credit card spread for non-banks. ऐसा इन्होंने बोला है। सुमन चौधरी चीफ इकोनॉमिस्ट एंड हेड रिसर्च, इतना ठीक है, expects to moderate the growth of such loan and address spread of any such systematic risk. Apart from a moderation in the aggregate growth of unsecured loans, the impact of the measure can be seen in a material increase in the rates charged on unsecured loan by banks and NBFCs. देखिए सिंपल सी बात क्या है, एक बार द हिंदू का भी देख लेते हैं। बैंकिंग कंपनी, जस्ट अ सेकंड, बैंकिंग कंपनी स्टॉक केम ऑन सेलिंग फ्राइडे अ डे
रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इंक्रीज द रिस्क वेट ऑन कंज्यूमर लोन प्रोवाइडेड बाय द बैंक एंड एनबीएफसी 25 परसेंटेज पॉइंट, मतलब 0.25। रिएक्टिंग टू द आरबीआई सर्कुलर, नाउ इट मेक्स मैंडेटरी फॉर रेगुलेटेड एंटिटीज टू सेट असाइड हायर कैपिटल फॉर अनसिक्योर्ड लोन्स। द बैंक एक्स ऑफ द बीएसई स्लम्प्ड इतना, एसबीआई लेट द डिक्लाइन। ठीक है, ये कौन कितना बैंक आपका गिरा है ये बताया गया, सबसे ज्यादा एसबीआई गिरा है, सबसे कम आपका एचडीएफसी बैंक। निफ्टी 50 इंडेक्स ऑफ द नेशनल स्टॉक एक्सचेंज फेल इतना। ओपन गैप डाउन, तो इसमें तो आपका देखिए गैप डाउन से आपका बैंक निफ्टी खुला है, ये आपके स्टॉक मार्केट की चीजें दी गई हैं। अब चलिए मैं आपको एक बार एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें बता दूं चीजें क्या क्या इंपॉर्टेंट रहती है, जो मेन बेसिक कॉन्सेप्ट है वो क्या है इसके पीछे। अब देखिए, बैंक जो होता है हमें लोन देता है, ठीक है, किसको दिया, हमें दिया, हम पर्सन है, ठीक है, बैंक ने हमें लोन दिया, हम इस बैंक को वापस क्या देते हैं, इंटरेस्ट, ठीक है। अगर कई बार हम ये पैसा ना बैंक को चुका ना पाए तो वो बैंक को क्या हो जाता है, लॉस, और यही इंटरेस्ट देते हैं बैंक को तो ये हो जाता है उसका प्रॉफिट, ठीक है। तो बैंक अब जैसे देखा जा रहा है अनसिक्योर्ड लोन्स काफी बढ़ते हैं, ठीक है, ये चीज हमने देखा, तो बैंक को लॉस हो सकता है, और अगर बैंक को लॉस होगा तो उसमें डिपॉजिट के पैसे आपके सारे खराब होंगे, तो कहीं कहीं आपका फाइनेंशियल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, किसमें, इंडिया में। इसलिए आरबीआई ने क्या किया है, बैंकों की रेगुलेटरी बॉडी आपकी आरबीआई, आरबीआई अपना सेंट्रल बैंक भी है, तो इसने किया था बोला कि आप अपने वॉल्ट में जैसे आप 100 रुपया दे रहे हो, ठीक है, अनसिक्योर्ड लोन के तरह आप 100 रुपीज किसी को दे रहे हो, लेंड कर रहे हो, तो उसके जगह पे आप बोल दिया कि आप 10 रुपीज अपने वॉल्ट में रखिए, ठीक है, ये पहले तो मानिए। अब इसके बाद से 25 परसेंटेज पॉइंट, मतलब 0.25 इसको इन्होंने इंक्रीज कर दिया और बोला कि भाई अब आप इसको रखो। तो ये क्या था, हम लोग लगता है 1% 2% क्या होता है, पर बैंक के लिए बहुत बड़ी चीज होती है। तो कहीं ना कहीं आप देखिए, बैंक के पास जब वॉल्ट में बैंक अपने ज्यादा पैसा रखेगा, ठीक है, मानिए वॉल्ट में अब ज्यादा पैसा रखा तो लोन देने के लिए उसके पास पैसे कम हुए, जब लोन देने के लिए पैसे कम हुए तो प्रॉफिट कम हुए, जब ये सारी चीजें हमने देखी तो आप देखिए बैंकिंग सेक्टर में गिरावट आया कि स्टॉक मार्केट में, क्योंकि हम लोग तो वहाँ पे ये नहीं देखेंगे कि कौन सी चीजें सेफ रहे क्या रहे, लोगों को तो वहाँ पे प्रॉफिट देखना है, पर लॉन्ग टर्म में क्या चीज सही है, तो बिल्कुल सही है, तो मैं तो कह रहा हूँ जाओ स्टॉक खरीदो बैंकिंग के, सही है, और सिक्योरिटी बढ़ते जा रही है तो तुम्हारा पैसा तो और सेफ रह रहा है। अब गिर गया है वैसे भी 2-4%, कोई जैसे SBI गिर गया 3.64%, तो खरीद लो, बढ़िया है, कल को पैसा मिलेगा, बनाओगे इसमें। तो बस यही एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था इसमें, RBI ने इसीलिए रूल्स को टाइटन किया है कि आप थोड़ा ज़्यादा पैसा रखो अपने। सो थैंक यू गाइज, प्लीज़।